दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आईब्रो भत्त का बारे में बात करेंगे, जो कि एक बंगाली रस्म होती है और शादी का पहले ये रस्म किया जाता है। तो लड़का हो और लड़की हो, उसी का मनपसंद का सारे खाना भी बनाया जाता है। घर का बुजुर्ग सदस्य आशीर्वाद भी करता है जो उसको शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा जाए और सारे खुशियाँ उसको मिल जाए। तो मेरा बेटी को जब ये रस्म मैंने कलकत्ता में कर रहा था, उसका कुछ दोस्त लोग आया था, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा ये जो रस्म है आईब्रो भात का। तो उसी के अंदर एक लड़की था चांदनी, वो भी बोला था जे मेरा जब शादी होगा तब भी मेरा लिए भी ये रस्म आंटी जरूर करना। तो चलिए देखता है ये दोनों को रस्म मैंने कैसे सेलिब्रेट किया है। Thank you.
फ्राई किया है, आलू है, भिंडी है, बीन्स है, बेगुनी कद्दू फ्राई किया है, और ये लाल शाक बनाया बड़ी देके, दाल बनाया सूप तो, और ये मैंने बनाया पनीर बटर, क्या नाम दिया था मैं भूल गया, पनीर बटर पुदीना और गोभी सब्जी है, और ये है बंगाली बहुत फेवरेट है, क्या बोलते हैं इसको, आलू डाल, आलू और खसखस डाल के आलू पोस्त, ठीक है, आलू पोस्त, और ये है चना मसाला ला, हिंदी हिंदी मसाला, अनारस चटनी, खीर, टोमेटो चटनी एंड स्वीट। ऐसे ही बच्चों को हाथ से खिलाया जाता है, तो मैं हाथ से